Assalamualaikum everyone and most welcome to my channel. आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी लेके आई हूँ. लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे. और जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी. तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें. आज स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या बाल उनके जो है रीग्रोथ नहीं होते हैं या फिर उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या उनके बाल बहुत ज़्यादा डल हैं. कुछ लोगों के बाल जो हैं सिल्की होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बट बहुत ज़्यादा डल होते हैं, रफ़ होते हैं, बालों में जान नहीं होती, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं. और कुछ लोगों के कर्ली बाल होते हैं बट हेल्दी होते हैं. तो हेल्दी होना ज़रूरी है, स्ट्रेट और कर्ली से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. और सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा आयरन करने से बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं. और इसके अलावा जो लोग ऑयलिंग नहीं करते या मास्क इस्तेमाल नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता बाल उनके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं. और फिर जो है जूनियर एज बढ़ती है तो बाल आपके बहुत ज़्यादा रफ़ और डल हो जाते हैं. तो इसके लिए जो है जो मैं आपको होम रेमेडी बताने लगी हूँ, सारी इन्ग्रीडियंट्स तकरीबन घर में मौजूद होती हैं. और अगर नहीं है स्पेशली एलोवेरा अगर आपके पास नहीं है घर पर तो आप बाज़ार में बना हुआ भी इजीली मिल जाता है, तो आप वो भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है. तो आपने अपने बालों के हिसाब से लेना है. अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आपने उसी हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है. तो ये मेरे पास यहाँ एलोवेरा है. एलोवेरा के साथ जो है एवियन के कैप्सूल हैं, वाइटामिन ई के कैप्सूल हैं. 600 mg का है ये, 400 mg का है. 400 से 600 तक मिल जाते हैं तो आपने जो है 600 भी यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल मेरे पास 400 mg है तो इसके अंदर मैं एक एवियन कैप्सूल डालूंगी. ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर फोलिकल्स बनाएगा, बालों को रीग्रोथ करेगा. तो इसके अंदर विटामिन ई यानी एवियन कैप्सूल डालूंगी. इसके साथ है लेमन. लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन पर तो अच्छा होता ही होता है, बालों को शाइन देगा. तो ये जो है इसके अंदर लेमन भी जाएगा. और इसके साथ जो है प्रोटीन. प्रोटीन आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बालों को स्ट्रेट और सिल्की रखने के साथ साथ बालों को लंबा घना भी करती है. और उसके अलावा अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, खुश्की या सिकरी है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है. इसके एक ही इस्तेमाल से आपके बाल जो है स्ट्रेट हो जाएंगे. जिन लोगों को स्ट्रेट करने का शौक़ है और बाल स्ट्रेट नहीं होते तो वो दही का बाकायदा इस्तेमाल करके अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करूँगी. तो बारी बारी जो है, पहले एलोवेरा को अच्छे से आपने इसका जो है इसको मैश कर लेना है. मैश करके जो है आप इसका पानी निकाल लीजिएगा. वैसे ये बिल्कुल अगर थोड़ी देर आप रखेंगे तो इसका ये खुद ही निकल जाएगा. ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में नहीं करना, इसमें करें. तो योगर्ट को आप ब्लेंडर में ना कीजिएगा दही को, क्योंकि आप जब करेंगे दही और ये सारा मिक्स करके ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो आपके बालों से गिरना शुरू हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे ही करके मैश कर लीजिएगा. अब ये अच्छे से जो है मैश कर लिया है इसका मैंने. अब इसके अंदर मैं एवियन के कैप्सूल ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी. इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं जो है लेमन ऐड करूँगी. और इसको मिक्स करने के बाद जो है सीड आप इसके निकाल लीजिएगा. इसके अंदर जो है योगर्ट ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है. अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने ये अपने रूट्स में भी लगाना है. जितना आप इसका मसाज करेंगे आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे होंगे. तो आपने अच्छे से इसका जो है मसाज करना है और तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे तक लगा रहने देना है. उसके बाद आप वॉश करेंगे. पहले ही वॉश में आपको वाजिया फ़र्क नज़र आएगा. और आपने इसे वीक से में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और खुश्की सिकरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि वैसे भी जो है विंटर में खुश्की वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो ये बेहतरीन मास्क है आपके बालों के लिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट है. तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसको अप्लाई करके मुझे ज़रूर रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा. बाकी दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर.